अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट डिज़ाइनर। आज मैं आपको फ्रोजी कलर का ड्रेस दिखाऊंगी जो लाइट फ्रोजी है और इसके ऊपर हमने हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम किया है। और ये देखें, इसके साथ सिंपल हमने ट्राउज़र रखा हुआ है क्योंकि शर्ट पे हैवी काम था, इसलिए हमने सिंपल ट्राउज़र रखा है। और ये पंजाबी ड्रेस है, इसके बाजू भी बड़े प्यारे बने हुए हैं। मैं आपको ये देखें दामन का तारफ करवाती हूँ। ये देखें, ये फूल बना हुआ है, ये पहले हमने ट्रेस करवाया है। ये कपड़े का जो स्टफ है ये शिफॉन है। और ये देखें, ये सितारे लगे हुए हैं सारे, और ये गोल मोती हैं, छोटे मोती गोल होते हैं ये वाले। और ये स्टोन है, शाइनिंग वाला स्टोन, इसे कह के हम बाज़ार से परचेज करेंगे। और ये सारी जो हमने लाइनिंग इसमें लगाई है, ये वाले ऐसे वाले जो लाइनिंग लगाई है, ये सारी मोतियों के साथ लगाई है, तारों के साथ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, लेकिन ये मोती नहीं ख़राब होते। इस तरह हमने ये तीन फ्लावर इसमें डाल दिए हैं। और इसका गला देखें, गला डिज़ाइनिंग वाला रखा है। इसके अंदर भी ये देखें, हमने पहले तो इसकी ये रख दी है ऐसे करके डिज़ाइनिंग, और इसके ऊपर भी इसी तरह ये फ्लावर किए हुए हैं। और ये देखें, ये मैं आपको ये इसलिए बताती हूँ कि आप भी अगर आपके पास कोई गला आप कर लेते हैं स्टिच तो, लेकिन बड़ा हो जाता है, तो आप थोड़ी सी इसमें ये डिज़ाइनिंग कर लें। ये देखें, मैंने भी इसी तरह ये गला थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने ये डिज़ाइनिंग की है। ये मोती भी लगा ली है और ये स्टोन भी लगा दी है। और आप चलते हैं हम बाजू की तरफ। ये देखें, बाजू भी बहुत प्यारे बने हुए हैं। ये देखें, कट बाजू रखे हैं, फ्लावर बाजू हैं, छोटे बाजू रखे हैं। और ये देखें, रिबन बना के उसके ऊपर स्टोन लगाया है। और इसी तरह ये देखें, इसके ऊपर एक एक फ्लावर बना दिए इसी तरह दोनों बाजू के। और इसी तरह हमने बैग पे जिप लगाई है, वो मैंने आपको पहले दिखा दी थी। अगर और इसका ये दुपट्टा जो है, ये देखिए इसका दुपट्टा चुनटों वाला है। और इसके जो दुपट्टे के, ये देखिए दामन पे भी इस तरह मैंने डिज़ाइनिंग की है, थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।